हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल। हमने इससे पहले पढ़ा था पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, जिसमें कि यूके ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, USSR और अमेरिका, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। जनरल असेंबली शैल इलेक्ट 10 अदर मेंबर जो कि नॉन परमानेंट मेंबर कहे जाएंगे। जनरल असेंबली 10 और मेंबरों को अपॉइंट करती है, इलेक्ट करती है, जो नॉन परमानेंट मेंबर कहलाए जाते हैं। उसमें से 5 फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, 1 ईस्टर्न यूरोप, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। और ये जो अलॉटमेंट था, दिस अलॉटमेंट, तो ये जो भी मेंबर्स चुने जाएंगे, ये एक अलॉटमेंट बनाया गया था 1991 में, जो कि जनरल असेंबली द्वारा बनाया गया था ये अलॉटमेंट 5-1-2-2 वाला। अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल की पावर पे। तो इसकी पहली पावर है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना आर्टिकल 24 में दिया गया है, एंड एग्री टू कैरिंग आउट ड्यूटी विच आर इन चैप्टर और इन आर इन चैप्टर 6, 7, 8 and 12। तो इन 6, 7, 8 और 12 चैप्टर में दिया गया वो सारी ड्यूटियों को करना, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, और डबल वीटो पावर। डबल वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 27 में, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, वोटिंग पावर ऑफ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें वोटिंग पावर दी गई है आर्टिकल 27 में। एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, एवरी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट। तो इसमें जो हमने अभी मेंबर्स देखे थे, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, USSR और अमेरिका, इनके पास चाहे कितने भी मेंबर हों इनके, मगर इनके मेंबरों के पास सबके मेंबरों के मिला के एक ही वोट माना जाएगा। ये नहीं हो तो 5 मेंबर हैं तो 5 वोट माने जाएंगे, उन 5ों का एक ही वोट माना जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर टू बी कंसीडर बाय सिक्योरिटी काउंसिल। तो 2 तरह के मैटर जो होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। पहला तो प्रोसीजर, दूसरा नॉन प्रोसीजरल। इट शैल डिसाइड बाय सिक्योरिटी काउंसिल वेदर इट इज़ अ प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। तो सिक्योरिटी काउंसिल ही इसे डिसाइड करता है कि मैटर प्रोसीजरल होगा या नॉन प्रोसीजरल होगा। एंड फॉर दिस डिसीजन ऑल्सो दैट मैटर इज़ अ प्रोसीजरल मैटर, इट कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, इंक्लूडिंग दी कॉन्करिंग वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर। तो ये डिसाइड तब होगा कि कोई मैटर प्रोसीजरल है नॉन प्रोसीजरल है, जब उसके मेंबर्स जो है वोट करेंगे, अफर्मेटिव वोट करेंगे, तब उस मैटर को डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये प्रोसीजरल मैटर है या नॉन प्रोसीजरल मैटर है। एंड इफ़ एनी परमानेंट मेंबर डिनाइड टू कास्ट हिज वोट, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन प्रोसीजरल मैटर। अगर कोई भी मेंबर अपना वोट देने से मना कर देता है तो उस मैटर को नॉन प्रोसीजरल मैटर माना जाएगा, फॉर विच इट विल बी रिक्वायर्ड 9 अफर्मेटिव वोट। अगर किसी भी मैटर को प्रोसीजरल मैटर में उसे डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 अफर्मेटिव वोट चाहिए होंगे, इंक्लूडिंग 5 कॉन्करेंट वोट ऑफ परमानेंट मेंबर। 5 कॉन्करेंट वोट चाहिए होंगे परमानेंट मेंबर के। इन केस ऑफ प्रोसीजरल मैटर 9 अफर्मेटिव वोट शैल बी सफिशियंट एंड विच डज नॉट रिक्वायर 5 मेंबर कॉन्करेंट वोट। प्रोसीजरल मैटर्स में 9 अफर्मेटिव वोट तो चाहिए होते हैं, मगर उसमें के लिए 5 मेंबर के कॉन्करेंट वोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आगे आ जाते हैं डबल वीटो पावर पे। तो डबल वीटो पावर क्या है? एज रिगार्ड टू पावर ऑफ परमानेंट मेंबर इज कंसिडर्ड, कि परमानेंट मेंबर की जो पावर है, रिगार्डिंग इट्स वोटिंग पावर, वोटिंग पावर से रिगार्डिंग है। इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ दैट एवरी परमानेंट मेंबर एज अ वीटो पावर मीन्स द पावर। तो ये वीटो पावर मानी जाएगी। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी उस कुछ नहीं है किसी भी उससे, तो आप उसके ऊपर वीटो पावर लगा के रोक लगा सकते हैं। प्रोसीजरल मैटर एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 27 सिक्योरिटी काउंसिल इज अ प्रोसीजरल मैटर, नॉन प्रोसीजरल मैटर एज पर द आर्टिकल ऑफ प्रोविजन 27। तो 27 में डिसाइड होगा कि कोई भी मैटर प्रोविजनल मैटर है, प्रोसीजरल मैटर है, या कोई भी नॉन प्रोसीजरल मैटर है। आर्टिकल 28, 29 और 30 का कंक्लूजन है ये। सिक्योरिटी काउंसिल इज द रेगुलर ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के एक रेगुलर ऑर्गन है ऑर्गेनाइजेशन का। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परमानेंट मेंबर शैल कंटिन्यूसली प्रेजेंट एट द हेड ऑफिस ऑफ ऑर्गन। तो जो परमानेंट मेंबर होंगे उनका जो हेड होगा वो ऑर्गन में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो सब्सिडरी ऑर्गन विच इज नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शन, सिर्फ उसके फंक्शन के लिए भी नेसेसरी है। आर्टिकल 32 है यूएन चार्टर का। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32 नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ यूएनओ में ऑल्सो हैव द पावर टू अटेंड मीटिंग बाय सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो आर्टिकल 32 के अंदर जो हैगा उसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट जो है यूएनओ का, उसके पास पावर है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड कर सकता है व्हेन हिज इंटरेस्ट मे बी डिफीटेड, अगर उसका कोई इंटरेस्ट डिफीट होता है, बाय डिस्कशन एंड डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, के सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन और डिस्कशन के बाद जो अगर उसका इंटरेस्ट डिफीट होता है तो वो नॉन परमानेंट मेंबर भी उसकी मीटिंग अटेंड कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की। अब आते हैं आर्टिकल 33 पे। अंडर विच चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर देर इज़ अ प्रोविजन फॉर पीसफुल मेजर टू बी अडॉप्टेड बाई सिक्योरिटी काउंसिल बाई रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। तो आर्टिकल 33 के अंदर दिया हुआ है कि कोई भी अगर
डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो पहले उसे पीसफुल मीजर्स के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब पहले मीटिंग, अगर मान लीजिए इंडिया और भारत के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो पहले उसे मीटिंग द्वारा सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई वो फिर नहीं सॉल्व होता तो उस जनरल असेंबली में भी उसको डिस्कस किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में है, सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट एनी सिचुएशन विच इज़ लाइकली टू एंडेंजर द मेंटेनेंस ऑफ पी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो कोई भी अगर मैटर होता है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरे में लाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उस डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये आर्टिकल 34 में है। अंडर विच आर्टिकल देयर इज प्रोविजन टू इनवाइट द पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बाय इन्वेस्टिगेशन। तो ये आर्टिकल 34 में दिया हुआ है कि अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है जैसे दो कंट्री के बीच में, तो उसको पीसफुली सेटल करने के लिए पार्टीज को इन्वाइट किया जाता है। वो आर्टिकल 34 में है। आर्टिकल 38 में, अंडर आर्टिकल 38 सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट मेक एनी रिकमेंडेशन इन कॉन्ट्रडिक्शन टू मीजर्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 37 बट इट मे बी एक्सटेंडेड। कि आर्टिकल 38 के अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देगी जो कि कॉन्ट्रडिक्शन में हो, मगर आर्टिकल जो भी कॉन्ट्रडिक्शन में हो आर्टिकल 37 के, आर्टिकल 37 में हमने पढ़ा था कि उसके लिए मीटिंग करवाई जाती है। मेक द रिकमेंडेशन एंड टू डिसाइड द मीजर्स टेकन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो कोई तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगी और डिसाइड करेगी कि क्या क्या मीजर लिए जाने चाहिए डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, एक्सक्लूडिंग द यूज़ ऑफ आर्म्स फोर्सेज। आर्म्स फोर्सेज का यूज़ इसमें नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन का वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।